मेरी जान, मेरे दोस्त, कैसे हो? बढ़िया हो? हम भी कमाल है यार। दोस्तों, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको जेल की सैर करा दूं। नहीं नहीं, गलत मत समझिए। जेल की सैर मतलब वीडियो कुछ ऐसी है। जो ये जेल है ना, सिर्फ कहने के लिए जेल है। एक बार अगर आप इन जेलों को देख लेंगे तो आप कहेंगे, वाह भाई वाह, ये तो किसी होटल से भी बढ़िया है। तो चलिए, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, करते हैं जेल की सैर। लेकिन इससे पहले वीडियो का लाइक कर दो, प्लीज कर दो यार। हाँ, तो भाई नंबर वन, हल्डेन, नॉर्वे। भाइयों, मैंने नॉर्वे देश के बारे में बहुत सुना है यार। ये बड़ी खूबसूरत जगह है। यहाँ की लाइफस्टाइल भी ओहो टॉप क्लास है। लेकिन ये क्या, यहाँ तो क्रिमिनल्स को ही भाई इतनी इज्जत मिलती है। वाह वाह, क्या शानदार जेल है। बिल्कुल फुली फर्निश्ड, साथ में टीवी और रेफ्रिजरेटर भी। हाय हाय, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जेल में गार्ड्स होते हैं। उन्हें गन रखने की कोई जरूरत नहीं होती। सही बात है भाई। अब भाई, जेल इतनी शानदार है कि यहाँ से कौन भागने की कोशिश करेगा, हैं? बताइए जरा। चलिए बात करते हैं दूसरी जेल के बारे में। नंबर टू, ओटागो करेक्शंस फैसिलिटी, मिल्टन, न्यूजीलैंड। दोस्तों, न्यूजीलैंड कंट्री की हर कोई तारीफ करता है भाई, क्योंकि बड़ी खूबसूरत जगह है। लेकिन आपको बता दूं, यहाँ की जेल भी बड़ी कमाल की है यार। जेलों में पूरी सफाई होती है। देखिए ये जेल कितनी खूबसूरत दिख रही है। इस जेल में सोफा है, बेड है, टीवी है, हीटर है। साथ में अगर न्यूजीलैंड की जेल है तो रग्बी कोर्ट्स कैसे नहीं हो सकती भाई, हैं? एक और बात है, यहाँ के लोकल आबादी इसे मिल्टन हिल्टन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर थ्री, बटनर फेडरल करेक्शनल इंस्टीट्यूशन, नॉर्थ कैरोलिना, यूएसए। भाई, व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स के लिए जेल नॉर्थ कैरोलिना में बनी हुई है। इस जेल को देख कर भाई कोई कह नहीं सकता कि ये जेल है, यहाँ कोई कैदी भी रहता है। जेल के बाहर देखिए कितना शानदार गार्डन है। ओहो, तरह तरह के फूल। भाई, कहा जाता है कि इस जेल के अंदर भी जबरदस्त व्यवस्था है। यहाँ आने वाले व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स को कोई परेशानी ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया। नंबर फोर, सुओमनलिना प्रिजन, हेलसिंकी, फिनलैंड। भाई, ये दुनिया की एकमात्र ऐसी जेल है जिसमें कोई गेट नहीं है। मतलब ये जेल जेल नहीं भाई, खुला घर है। भारतीय भाषा में बोले तो ये एक धर्मशाला की तरह है। यहाँ जो कैदी है ना, वो दिन में तो भाई काम पे चले जाते हैं, लेकिन शाम में वो खुद ही जेल में आकर रहने लग जाते हैं, खाना बनाते हैं और अपने अपने रूम में सोते हैं। वैसे इन्हें कैदी कहें या ईमानदार मजदूर, कमेंट करके बताइए। नंबर फाइव, क्विनचैंग प्रिजन, चैंगपिंग, चाइना। ये जो जेल है ना, ये चाइना में है। यहाँ पर चीन सरकार के ऑफिसर्स को कैद करके भेजा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी यार, जब ये इतनी मस्त जेल है तो यहाँ तो खूब मस्ती करते होंगे। मैं आपको बता दूं, यहाँ का खाना बड़ा पॉपुलर है। सरकारी ऑफिसर्स के लिए यहाँ पर फ्रेश फ्रूट का इंतजाम हर टाइम रहता है। इसके साथ ही बाहर का खूबसूरत नजारा है भाई, कौन नहीं खुश होगा ऐसी जेल में। नंबर सिक्स, महानोय स्टेट करेक्शनल इंस्टीट्यूशन, पेंसिल्वेनिया, यूएसए। जरा गौर से देखो यार, कितनी खूबसूरत जेल है। इस जेल में नॉन वायलेंट ऑफेंडर्स को रखा जाता है। इस जेल में एक बड़ा सा ड्राइंग हॉल है जिसमें हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है। साथ ही दोस्तों, इस जेल में एक बहुत बड़ा फुटबॉल ग्राउंड भी है, तो जब मनो फुटबॉल खेलने जाओ। नंबर सेवन, सैन पेड्रो प्रिजन, लापेस, बोलीविया। वही इस जेल में रहने वाला हर कैदी एक दूसरे को परिवार की तरह ट्रीट करता है। यहाँ पे जो कैदी होते हैं ना, ये अपने आप से लीडर चुन लेते हैं, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि यहाँ के कैदी अपना अपना काम खुद ही शुरू करें। हर कैदी को अलग अलग ड्यूटी दी गई है। यहाँ पर जो कैदी होते हैं वो अपना रूल चलाते हैं, और ये सब मिलकर हर फेस्टिवल को आपस में खूब एंजॉय करते हैं। नंबर एट, हर मैजेस्टीज प्रिजन, एडिबल, एडिबल, स्कॉटलैंड। दोस्तों, हालांकि ये जेल नहीं है, यहाँ नशा करने वालों को रखा जाता है। और ये देखिए कितना कलरफुल घर है यार। कहा जाता है कि यहाँ का जो ब्रेकफास्ट होता है ना, बहुत टॉप क्लास होता है। साथ में आपको ये भी बता दूं कि यहाँ रहने वाले लोगों को लाइफ टाइम के लिए फुल जॉब सिक्योरिटी भी दी जाती है। मतलब साफ है, अगर यहाँ कोई एक बार पहुंच जाए तो उसके बाद नो टेंशन, है ना दोस्तों, कमाल की जेल। नंबर नाइन, डबलिन फेडरल करेक्शनल इंस्टीट्यूशन, कैलिफोर्निया, यूएसए। दोस्तों, सोलर पैनल में तैयार की गई जेल बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ के कैदी भी बड़े खुश रहते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर हर फेस्टिवल को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ पर एक स्विमिंग पूल भी है और साथ में जिम की भी व्यवस्था है। और यहाँ जो कैदी होते हैं ना, उन्हें जेल के बाहर जाके काम करना बिल्कुल अलाउड है। लेकिन हाँ, साथ में एक सुपरवाइजर होना चाहिए। लेकिन सोचिए, ऐसा कहाँ होता है यार, कमाल की बात है। नंबर टेन, जेसप करेक्शनल इंस्टीट्यूशन, मैरीलैंड, यूएसए। ये देखिए अमेरिका की एक और शानदार जेल, जो कि जेल कम और स्कूल ज्यादा लगता है। भाई, जेसप करेक्शनल इंस्टीट्यूशन में हर हफ्ते कोई ना कोई ट्रेंड स्किलफुल टीचर आते हैं और यहाँ के कैदी को कुछ ना कुछ सिखाते हैं। इसे कहते हैं जेल कम स्कूल। नंबर 11, फेडरल मेडिकल सेंटर, डिवेंस, मैसाचुसेट्स, यूएसए। ये जो जेल है ना, ये किसी क्रिमिनल के लिए नहीं है। यहाँ पर उस तरह के कैदी आते हैं जो दिमागी स्तर पर बीमार है, जिन्हें दिमागी दौरा आता है। ये देखने में बहुत खूबसूरत है। यहाँ काम करने वाले लोग बड़े पोलाइट होते हैं जी। ये जेल चारों तरफ से फूलों से घिरी हुई है, और जेल की एक खासियत है, यहाँ कोई गेट नहीं है। यहाँ लोगों के संग बड़ी अच्छी तरह से बिहेव किया जाता है। नंबर 12, एंडरसन काउंटी जेल, टेनेसी, यूएसए। भाई, ये भी जेल अमेरिका में है। उसे देखने के बाद आपको स्कूल या कॉलेज का कोई हॉस्टल याद आ जाएगा। यहाँ के रूम्स यार बड़े होते हैं, बहुत बड़े, बहुत बड़े। साथ ही सभी कैदी एक साथ रात में एक ही बड़े रूम में सोते हैं।
देखिए कैसे ये डबल फ्लोर वाले बेड पर सोते हैं। और इस जेल के बाहर एक बहुत बड़ा गार्डन बना हुआ है जिसको देख के आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। नंबर 13, हर मैजिस्ट्रीज प्रिजन फॉरेस्ट बैंक, मैनचेस्टर, इंग्लैंड। वो इंग्लैंड के मैनचेस्टर शहर की जेल खाने के लिए बड़ी पॉपुलर है जी। कहा जाता है कि इस जेल में 100 से भी ज्यादा खाने तैयार किए जाते हैं कैदियों के लिए। हाँ जी भाई, जब सर्वे किया गया तो ये पाया गया जो आम आदमी मैनचेस्टर में है वो यहाँ के कैदियों के मुकाबले काफी कम क्वालिटी का खाना खाते हैं, जबकि यहाँ के कैदी ज्यादा मोटे हो रहे हैं। अगर आपको पतला होना है तो इधर चले जाओ। नंबर 14, पेंसकोला फेडरल प्रिजन कैंप, फ्लोरिडा, यूएसए। ये एक और बेहतरीन जेल है अमेरिका की। यहाँ पर हर कैदी को परमानेंट जॉब दी जाती है। जेल इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि यहाँ पर कोई भी कैदी आता है वो जल्दी बदल जाता है। जेल के बाहर एक बड़ा सा गार्डन है जिसमें कैदी ही काम करते हैं। यहाँ फुटबॉल के मैच भी खेले जाते हैं, जबकि वीकेंड पर शाम को मूवीज के शोज भी होते हैं। सही कह रहा हूँ मैं? नंबर 15, बेस्ट टॉय प्रिजन, बेस्ट टॉय नॉर्वे। इसको देख कर लगता है कि नॉर्वे की सरकार अपने कैदियों से कहीं ज्यादा प्यार करती है। जरा देखिए, हाँ देखिए इस जेल को, कौन कह सकता है भाई ये एक जेल है। खूबसूरत नदी के पास ये बेहतरीन सा घर, ओए होए माशाल्लाह, ऐसा लगता है मानो कोई फाइव स्टार होटल हो। यहाँ तरह तरह की आउटडोर एक्टिविटीज होती हैं। क्या सोच रहे हैं दोस्तों, जाना है जेल में? मजाक कर रहा हूँ। नंबर 16, लॉस एंजल्स काउंटी जेल, कैलिफोर्निया, यूएसए। वो इस जेल को देखकर ऐसा लगता है मानो कोई बड़ा सा हॉस्टल हो। देखिए कैसा बना हुआ है, अलग अलग रूम कैदी के लिए। रूम के बाहर एक बड़ा सा कॉमन एरिया, ओहो क्या बात। रूम के अंदर टीवी, एसी, न्यूज़पेपर, लाइफ सेट है बॉस। वैसे आप ऐसे कोई काम मत करना कि जेल जाना पड़े, हमारे यहाँ की जेल तो आप जानती हैं कैसी होती है। नंबर 17, मॉर्गनटाउन फेडरल करेक्शनल इंस्टीट्यूशन, वेस्ट वर्जीनिया, यूएसए। वो इस जेल के बारे में ये बात कही जाती है कि यहाँ जाते वक्त अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप यहाँ से निकलते हैं ना तो आप टेक्नोलॉजी के मामले में चैंपियन बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ ज्यादातर बड़े बड़े आईटी इंडस्ट्रीज के क्रिमिनल आते हैं। नंबर 18, एशलैंड फेडरल करेक्शनल इंस्टीट्यूशन, केंटकी, यूएसए। दोस्तों यहाँ उसी टाइप के कैदी जेल में आते हैं जिनके नाम पर मिनिमम अपराध आरोपित हैं। यहाँ कैदियों की संख्या भी कम ही होती है, लोग इसे जन्नत के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ बहुत तरह की फन एक्टिविटीज होती हैं। और इस जेल में जेलर भी जो होते हैं ना वो नाक के बराबर होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते। नंबर 19, सोलेटुना, स्विट्जरलैंड। देखिए स्विट्जरलैंड की खूबसूरत जेल का, यहाँ कैदी बड़े खुश रहते हैं। यहाँ के नियम के हिसाब से दिन के समय कैदियों को 4 घंटे काम करने की जरूरत होती है और उसके बाद वो फ्री होते हैं अपने स्टाइल की जिंदगी जीने के लिए। जैसे जीनी आराम से जियो। ये कैदियों के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन मानी जाती है स्विट्जरलैंड में। नंबर 20, साला मोरक्को। ये जेल थोड़ी अलग है, यहाँ दो तरह के कैदी होते हैं, एक तो रेगुलर जो कि आम कैदी की तरह जिंदगी जी रहे होते हैं, और एक होते हैं एलाइट क्लास जिन्हें भाई हर तरह की सुविधा दी जाती है, यहाँ तक कि मौज मस्ती की हर वो चीज जो कैदी चाहता है, इसलिए इसे कहा जाता है अबू धाबी सूट्स। 21, सेबू प्रोविंशियल डिटेंशन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, सेबू, फिलीपींस। वही यहाँ फिलीपींस के चुने हुए खतरनाक कैदी रहते हैं। ये कैदी बड़े खूंखार होते हैं, फिर भी ये जेल बहुत अलग है। यहाँ आने वाला हर कैदी जाते हुए यहाँ से एक बेहतरीन डांसर बन चुका होता है। आप खुद ही देख लीजिए कैसे सभी मिलकर डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। यहाँ के कैदियों ने भाई कई हिट सॉन्ग्स पर डांस परफॉर्मेंसेस दी हैं, जैसे कि थ्रिलर, गैंगनम स्टाइल, एटसेट्रा एटसेट्रा। नंबर 22, यंगटाउन फेडरल प्रिजन कैंप, साउथ डिकोटा, यूएसए। भाई ये जेल बाद में बनी, पहले ये कॉलेज हुआ करता था, जिसका मतलब साफ है कि यहाँ रूम्स में धूप, हवा, सब कुछ बड़े आराम से आते हैं। जेल के बाहर एक बड़ा सा गार्डन है, जबकि साथ में एक स्विमिंग पूल की व्यवस्था भी है। क्रिमिनल्स के लिए तो मानो भाई जन्नत है, बढ़िया लाइफ स्टाइल मिलता है। नंबर 23, रिचमोंड सिटी जेल, वर्जीनिया, यूएसए। ये जेल ना बॉस अलग किस्म की जेल है। यहाँ कैदियों को ट्रेनिंग इमोशनली दी जाती है। ज्यादातर समय यहाँ फैमिली फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि कैदी अपनी फैमिली के नजदीक जा सके, उन्हें पहचान सके, उनके मन में लोगों के लिए प्यार आए और वो नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार का दामन, प्यार का हाथ थामे। क्या बात है। नंबर 24, हर मैजिस्ट्रीज प्रिजन, मैजुलिगन, लिमावेडी, आयरलैंड। वही आयरलैंड के खेतों में बनी ये जेल अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है। यहाँ एक साथ ज्यादा से ज्यादा 100 कैदी रह सकते हैं। ये अपने खुले एरिया के लिए बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है। यहाँ के लोगों का ऐसा कहना है कि इस जेल में कैदियों को बेहतरीन खाना खिलाया जाता है, साथ ही हर दूसरे दिन यहाँ कोई ना कोई पार्टी होती रहती है। कई बार तो भैया पूरे महीने पार्टी होती है और अक्सर किसी न किसी कैदी का जन्मदिन भी होता ही रहता है। इसलिए कहते हैं जेल तो हर मैजिस्ट्रेट प्रिजन मैगलिगन की तरह हो। वैसे आप मुझे बताइए आप कौन सी जेल में जाना चाहेंगे। आई एम सॉरी, आपको कौन सी जेल अच्छी लगी? वो मैं गलती से कभी कभी इधर उधर भटक जाता हूँ। हाँ तो कौन सी जेल अच्छी लगी कॉमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, संग में शेयर करो और वीडियो को देखने के लिए समझदार चैनल का सब्सक्राइब करो, घंटी दबाओ। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।